हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डीप लर्निंग। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के लेक्चर नंबर 4 में मेंडेलियन इनहेरिटेंस की लिमिटेशंस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे प्रीवियस लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। आप उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली टाइप करें। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियोज ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आपको जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियोज लिखनी है मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। मोनो हाइब्रिड क्रॉस कौन सा? मेंडेलियन मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। राइट वन डिफरेंस बिटवीन टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। आपको टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस का एक डिफरेंस बताना है। सो विदाउट डिले लेट्स मूव टू अदर टॉपिक। Incomplete dominance, when experiments on peas were repeated using other triads in other plants, it was found that sometimes the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents and was in between the two. जब मटर के पौधे पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स को अन्य ट्राइड्स के लिए अन्य पौधों पर किया गया तो ऐसा पाया गया कि F1 जनरेशन में पैदा हुए जीवों का फिनोटाइप अपने किसी भी पेरेंट से नहीं मिलता था तथा उन दोनों के करैक्टर्स के बीच का रूप था। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन इज अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन में फ्लावर कलर का इनहेरिटेंस इनकम्प्लीट इनहेरिटेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस का बहुत अच्छा उदाहरण है। इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर्ड R एंड ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर्ड प्लांट्स r द F1 r वॉज पिंक। ट्रू ब्रीडिंग रेड कलर्ड फ्लावर में RR तथा ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर r के बीच हुए क्रॉस की F1 जनरेशन में सभी के सभी फ्लावर्स r पिंक फ्लावर थे। व्हेन द F1 वॉज सेल्फ पॉलिनेटेड द F2 रिजल्टेड इन द फॉलोइंग रेशियो रेड r इज टू पिंक r इज टू वाइट r दैट इज 1:2:1। जब F1 जनरेशन में बने प्लांट्स की सेल्फ पॉलिनेशन करवाई गई तब F2 जनरेशन में जो प्लांट्स बने उनका रेशो था red:pink:white मीन्स 1:2:1। द जीनोटाइप रेशियोज आर एग्जैक्टली एज वी वुड एक्सपेक्ट इन एनी मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस बट द फिनोटाइप रेशियो हैज चेंज्ड फ्रॉम द 3:1 डोमिनेंट इज टू रिसेसिव रेशियो। यहाँ जीनोटिपिक रेशियो मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ही समान थी लेकिन फिनोटिपिक रेशियो डोमिनेंट इज टू रिसेसिव 3:1 से बदलकर कुछ और हो गई थी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन स्नैप ड्रैगन प्लांट। सबसे पहले देखते हैं पेरेंट्स, प्योर रेड फ्लावर एंड प्योर वाइट फ्लावर। सो इनके गैमेट्स बनेंगे R एंड इसके बनेंगे r। सो अब हम बनाते हैं इनकी F1 जनरेशन। फीमेल मेल r, small r। सो अब जब ये R एंड ये r, small r, R ये वाला लेंगे हम एंड r ये वाला r, small r। अब ये वाला बॉक्स हमने भरना है तो यहाँ से उधर जाके ये R और ये वाला r, small r। सो इन सभी का जो फिनोटाइप आया है डेट इज़ पिंक फ्लावर्स, यानी रेड डोमिनेंट था। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि रेड पूरी तरह डोमिनेंट था, रेड इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है वाइट के ऊपर। सो यहाँ पर कैपिटल आर जीन था वो रेड फ्लावर बनाता एंड स्मॉल आर वाइट फ्लावर बनाता, लेकिन एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर होने की वजह से जो फिनोटाइप आई है फ्लावर की वो आई है पिंक। सो
सो अब हम इनकी सेल्फिंग करवाते हैं। यहाँ पे आया कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस्ड विद कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी पिंक फ्लावर्स, हाइब्रिड पिंक्स। इनके गैमेट्स बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अब हम बनाते हैं इनकी F2 जनरेशन। फीमेल मेल, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके गैमेट्स लिख दिए हमने कैपिटल आर एक स्मॉल आर। अब इसके गैमेट्स लिखेंगे कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल आर यहाँ स्मॉल आर। अब ये कंबाइन होंगे कैपिटल आर कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर आइए, यहाँ से कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर। अब ये बनेगा रेड, यहाँ पे कैपिटल आर एंड स्मॉल आर बनेगा पिंक, इसका फिनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर भी पिंक, एंड स्मॉल आर बनेगा वाइट। एंड अब इसका जीनोटिपिक रेशियो कैपिटल आर इज टू कैपिटल आर स्मॉल आर इज टू स्मॉल आर, कैपिटल आर बने हैं 1, कैपिटल आर स्मॉल आर ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, सो यहाँ 2 आ जाएगा, एंड स्मॉल आर है सो यहाँ 1 आ जाएगा। सो जीनोटिपिक रेशियो आई 1:2:1। तो हमें पता है कि जो कैपिटल आर हैं वो बनेंगे रेड, एंड कैपिटल आर स्मॉल आर बनेंगे पिंक, सो स्मॉल आर बनेंगे वाइट। सो आपको पता है कि रेड बने हैं 1, पिंक बने हैं 2 एंड वाइट बने हैं 1, सो फिनोटिपिक रेशियो भी आ गई 1:2:1। सो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा फिनोमेना है जिसमें जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो सेम होती है, सो वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोमेना। चलिए अब आप स्नैपड्रैगन प्लांट में मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखकर अपनी रिवीजन कीजिए। What happened was that capital R was not completely dominant over small r, and this made it possible to distinguish capital R small r as pink from capital R red and small r white. यहाँ पर capital R small r पर पूरी तरह dominant नहीं था, इसी कारण हम capital R pink तथा capital R red तथा small r white में अंतर बता सकते हैं। Explanation of the concept of the dominance. What exactly is dominance? Why are some alleles dominant and some recessive? Dominance वास्तव में क्या है? क्यों कुछ alleles dominant तथा कुछ alleles recessive होते हैं? To tackle these questions, we must understand what a gene does. इन questions के उत्तर देने से पहले हमें यह पता होना चाहिए या हमें यह समझना चाहिए कि आखिर एक जीन करता क्या है? Every gene, as you know by now, contains the information to express a particular trait. हर जीन में जैसे कि आपको पता ही होगा कि एक विशेष लक्षण के लिए इंफॉर्मेशन होती है। In a diploid organism, there are 2 copies of each gene, that is, as a pair of alleles. Diploid जीव में हर जीन की 2 copies होती हैं, यानी alleles का जोड़ा होता है। Now, these 2 alleles need not always be identical as in a heterozygote. अब इन दोनों alleles का समान होना जरूरी नहीं, जैसे कि heterozygous condition में दोनों alleles समान नहीं होते. One of them may be different due to some changes that it has undergone, about which you will read further on and in the next chapter, which modifies the information that particular allele contains. उनमें से किसी एक में बदलाव आ चुका होगा जो कि एलील में स्टोर इंफॉर्मेशन को बदल देता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ जीन दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। चलिए अब हम एक जीन का उदाहरण लेते हैं जिसमें एक एंजाइम बनाने की इंफॉर्मेशन है। नाउ देयर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन, द 2 एलीलिक फॉर्म्स। इस जीन की 2 कॉपीज हैं, यानी 2 एलीलिक फॉर्म्स।
Let us assume that the normal allele produces the normal enzyme that is needed for the transformation of a substrate S. मान लो कि normal allele normal enzyme बनाता है जो कि किसी substrate S को बदलने के लिए जरूरी है. Theoretically, the modified allele could be responsible for the production of the normal or less efficient enzyme. Second, a non-functional enzyme or no enzyme at all. अब जो allele किसी तरह बदल गया है वह निम्नलिखित substances की production कर सकता है. या तो वह normal या less efficient enzyme बनाएगा, या वह ना काम करने वाला enzyme बना सकता है, या वह कोई enzyme नहीं बना सकता. Means ये तीन possibilities हैं. इन तीनों possibilities की ही information उस gene में होगी. In the first case, the modified allele is equivalent to the unmodified allele, that is, it will produce the same phenotype or trait, that is, result in the transformation of the substrate S. पहले केस में बदला हुआ allele normal allele के बराबर है तथा इसलिए वह जीव को same phenotype देगा, यानी substrate S को बदल देगा. Such equivalent allele pairs are very common. ऐसे जोड़ों का होना बहुत ही साधारण है. बट इफ़ द एलील प्रोड्यूसेस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम, द फीनोटाइप मे बी अफेक्टेड. द फीनोटाइप विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील. लेकिन अगर एलील काम ना कर सकने वाला एंजाइम बनाता है, तब जो जीव की फीनोटाइप बदल सकती है. फिनोटाइप अब जोड़े में उस नॉर्मल एलील पर निर्भर करती है, उसकी फंक्शनिंग पर ही फिनोटाइप अब निर्भर करेगी. द अनमॉडिफाइड और नॉर्मल एलील विच रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट एलील एंड द मॉडिफाइड एलील इज जनरली द रिसेसिव एलील. जो नॉर्मल एलील है वह डोमिनेंट है तथा वह ओरिजिनल फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करते हैं. जो मॉडिफाइड एलील है, यानी जिसमें किसी तरह बदलाव आ गया है, वह रिसेसिव एलील है. हेंस इन द एग्जांपल अबव द रिसेसिव ट्राइट इज सीन ड्यू टू द नॉन फंक्शनल एंजाइम और बिकॉज नो एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड. ऊपर वाले उदाहरण में रिसेसिव ट्राइट नॉन फंक्शनल एंजाइम या एंजाइम ना बनने के कारण हुआ था. कोडोमिनेंस. Till now, we were discussing crosses where the F1 resembled either of the two parents, dominance or was in between, incomplete dominance. But in the case of co-dominance, the F1 generation resembles both parents. अभी तक हमने उन crosses को देखा जिसमें F1 generation में उत्पन्न हुई संतानें या तो अपने किसी एक parent से मिलती थी, इसे हमने dominance कहा था, या दोनों पेरेंट्स के इंटरमीडिएट थी, इस कंडीशन को हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा था. लेकिन कोडोमिनेंस में F1 जनरेशन अपने दोनों पेरेंट्स से ही मिलती जुलती होती है. अ गुड एग्जांपल इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स दैट डिटरमिन ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स. कोडोमिनेंस का एक बढ़िया उदाहरण मनुष्यों में ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है. ABO blood groups are controlled by gene capital I. ABO blood groups I gene द्वारा control किए जाते हैं. The plasma membrane of the red blood cells has sugar polymers that produced from its surface and the kind of sugar is controlled by the gene. The gene capital I has 3 alleles IA, IB and I. रेड ब्लड सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ शुगर पॉलीमर्स इसकी सरफेस से निकलते हैं. इस शुगर की टाइप को आई जीन कंट्रोल करता है. आई जीन के 3 एलील्स हैं, IA, IB एंड I. द एलील्स IA एंड IB प्रोड्यूस अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द शुगर, वाइल द एलील I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर. IA तथा IB अलग अलग प्रकार की शुगर प्रोड्यूस करते हैं तथा I कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता. बिकॉज ह्यूमंस आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, ईच पर्सन पोजेसेस एनी टू ऑफ 3 I जीन एलील्स.
IA एंड IB आर कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल i. क्योंकि मनुष्य डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, हर व्यक्ति में आई जीन के 3 एलील्स में से कोई 2 एलील्स ही होते हैं. आई ए तथा आई बी स्मॉल आई पर पूरी तरह डोमिनेंट हैं. इन अदर वर्ड्स, व्हेन आई ए एंड आई आर प्रेजेंट, ओनली आई ए एक्सप्रेसेस, एंड व्हेन आई बी एंड स्मॉल आई आर प्रेजेंट, आई बी एक्सप्रेसेस. दूसरे शब्दों में, यदि आई ए तथा स्मॉल आई हो तो आई ए खुद को एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि स्मॉल आई कोई शुगर नहीं बनाता. तथा जब आई बी तथा स्मॉल आई प्रेजेंट हो तो आई बी खुद को एक्सप्रेस करेगा. बट व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर, दे बोथ एक्सप्रेसेस देयर ऑन टाइप्स ऑफ शुगर्स, डेट इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस. जब आई ए तथा आई बी दोनों प्रेजेंट हों तो ये दोनों ही एक्सप्रेस होंगे. इस फिनोमिना को हम कोडोमिनेंस कहते हैं. हैंस द रेड ब्लड सेल्स हैव बोथ ए एंड बी टाइप ऑफ शुगर्स. सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स, देयर आर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज 3 एलील्स डेट आर पॉसिबल, एंड देयर फोर अ टोटल ऑफ 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स ऑफ द ह्यूमन ए बी ओ ब्लड ग्रुप्स आर पॉसिबल. इस तरह ए बी ब्लड ग्रुप में 2 तरह की शुगर बनेगी. इस जीनोटाइप वाली रेड ब्लड सेल्स के पास ए तथा बी दोनों प्रकार की शुगर्स होंगी, क्योंकि यहाँ 3 अलग अलग एलील्स हैं. इसलिए इन एलील्स के 6 अलग अलग कॉम्बिनेशन संभव हैं. इसलिए ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में 6 तरह के जीनोटाइप्स होते हैं. हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर पॉसिबल? क्या आप बता सकते हैं कि ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में कितने तरह के फिनोटाइप्स पॉसिबल हैं? 4 फिनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर पॉसिबल: ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ. चलिए अब हम देखते हैं कि ये 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स कैसे बनते हैं. अगर दोनों पेरेंट्स से आई ए आई ए आता है तो ब्लड ग्रुप बनेगा कैपिटल ए. अगर एक पेरेंट से आई ए और दूसरे पेरेंट से आई बी आता है तो ब्लड ग्रुप बनेगा ए बी. अगर एक पेरेंट से आई ए आता है एंड दूसरे पेरेंट से स्मॉल आई आता है तो ब्लड ग्रुप बनेगा कैपिटल ए. एक पेरेंट से आई ए एंड दूसरे पेरेंट से आई बी आता है तो ब्लड ग्रुप बनेगा ए बी. अगर दोनों पेरेंट से आई बी आता है तो ब्लड ग्रुप बनेगा बी. अगर एक पेरेंट से आई बी तथा दूसरे पेरेंट से स्मॉल आई आता है तब भी ब्लड ग्रुप बनेगा बी. क्यों बनेगा? क्योंकि आई बी डोमिनेंट है स्मॉल आई पर. जब दोनों ही स्मॉल आई आए दोनों पेरेंट से तो ब्लड ग्रुप बनेगा ओ. डू यू रियलाइज दैट द एग्जाम्पल ऑफ ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग ऑल्सो प्रोवाइड्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स? क्या आपने ऐसा महसूस किया कि ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग हमें मल्टीपल एलील्स का भी एक अच्छा उदाहरण देती है? येस, बिकॉज हेयर यू कैन सी दैट देयर आर मोर देन 2, दैट इज 3 एलील्स गवर्निंग द सेम कैरेक्टर. जी हाँ, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम मल्टीपल एलील्स का काफ़ी अच्छा उदाहरण है, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 2 से ज़्यादा, एक ही जीन के 2 से ज़्यादा एलील्स प्रेजेंट हैं, यानी 3 एलील्स हैं, आई ए, आई बी तथा स्मॉल आई. सिंस इन एन इंडिविजुअल ओनली 2 एलील्स कैन बी प्रेजेंट, मल्टीपल एलील्स कैन बी फाउंड ओनली व्हेन द पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड. क्योंकि एक जीव में केवल 2 एलील्स ही आ सकते हैं, तो अगर हम तीनों एलील्स की स्टडी करना चाहते हैं तो हमें पॉपुलेशन स्टडी करनी होगी. इन पी सीड शेप, मटर के सीड की शेप इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें कितना स्टार्च कंटेंट है. स्टार्च प्रोडक्शन इन पी सीड इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन. पी के सीड में स्टार्च का कंटेंट एक जीन पर डिपेंड करता है. जितना वो जीन ज़्यादा एफिशिएंट होगा उतना स्टार्च का अमाउंट ज़्यादा होगा एंड सीड उतना ही ज़्यादा राउंड होगा. जिस सीड में स्टार्च का कंटेंट ज़्यादा होगा वह सीड राउंड होगा, और जिसमें वह एंजाइम लेस एफिशिएंट होगा स्टार्च कम बनेगा एंड मैच्योर होने पर जो सीड होगा वो रिंकल हो जाएगा. प्योर राउंड सीड वाला प्लांट, एंड यहाँ लिया है प्योर रिंकल्ड सीड वाला प्लांट, स्मॉल बी स्मॉल बी. तो इनके गैमेट्स बनेंगे कैपिटल बी एंड इसके गैमेट्स बनेंगे स्मॉल बी. सो अब बनाते हैं हम इसकी F1 जनरेशन.
फीमेल मेल। मान लीजिए ये है फीमेल, सो यहाँ आएगा कैपिटल बी कैपिटल बी, इसके दोनों एलील्स स्मॉल बी ये आगे गेमेट्स। सो अब यहाँ ये बॉक्स हमने फिल करना है, सो कैपिटल बी एंड स्मॉल बी आएगा। सिमिलरली यहाँ ये बॉक्स हमने फिल करना है, सो कैपिटल बी स्मॉल बी, सेम कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, यहाँ भी कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। सो ये सारे बने हैं मीडियम, इनका मीडियम साइज बना है। इन सभी सीड्स का साइज मीडियम बना है। क्योंकि यहाँ पे दो एलील्स हैं, एक कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, इन दोनों सीड्स का शेप राउंड ही है, सो हम राउंड को डोमिनेंट मान रहे हैं। कैपिटल बी ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा स्टार्च प्रोड्यूस करता है, एंड स्मॉल बी कम स्टार्च प्रोड्यूस करता है। लेकिन कैपिटल बी स्मॉल बी का साइज़ इस कैपिटल बी से काफ़ी कम होता है, यानी ये छोटे होते हैं, होते राउंड ही हैं, इसलिए हम राउंड को डोमिनेंट फैक्टर मान रहे हैं। सो जब हम इनकी सेल्फिंग करवाते हैं, कैपिटल बी इंटू कैपिटल बी, इनका है मीडियम साइज राउंड, राउंड ही है। सो इनके गैमेट्स बनेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। इनकी एफ टू जनरेशन फीमेल मेल कैपिटल बी स्मॉल बी, इसके गैमेट्स आएंगे कैपिटल बी स्मॉल बी। ये बॉक्स हमने फिल करना है, तो कैपिटल बी ये फिल करना है, स्मॉल बी कैपिटल बी मीन्स कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। सो ये बनेगा राउंड, प्योर राउंड ये बनेगा तो ये राउंड, लेकिन इसका साइज स्मॉल होगा रिलेटिवली, मीन्स स्मॉल राउंड बनेगा ये, और ये बनेगा रिंकल्ड। ठीक है, तो अगर जीनोटिपिक रेशो निकालें कैपिटल बी इज टू कैपिटल बी स्मॉल बी इज टू स्मॉल बी, तो कैपिटल बी बना है एक, कैपिटल बी स्मॉल बी बने हैं दो, एंड स्मॉल बी वन। सो जीनोटिपिक रेशो आ गया 1:2:1। सो अब बात करते हैं फिनोटिपिक रेशो की। राउंड राउंड इज टू रिंकल्ड वाला फैक्टर, राउंड बने हैं ये भी राउंड और ये भी राउंड, तो यहाँ राउंड आए 3, रिंकल्ड आए सिर्फ 1। तो अगर हम शेप के बेस पे बात करें तो फिनोटिपिक रेशो आती है 3:1। लेकिन अगर हम साइज पे बात करें, अगर हम साइज वाला फैक्टर लें, लार्ज इज टू मीडियम साइज इज टू स्मॉल साइज, तो लार्ज कितने बने हैं सिर्फ 1, मीडियम साइज कितने बने हैं ये और ये यानी 2, एंड रिंकल कितने बने हैं सिर्फ 1, रिंकल और ज़्यादा स्मॉल होगा। सो साइज के बेसिस पे फिनोटिपिक रेशो आया 1:2:1। ओकेशनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट मे प्रोड्यूस मोर देन 1 इफेक्ट। एक सिंगल जीन ही अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड इज कंट्रोल्ड बाय 1 जीन। पी के सीड में स्टार्च को प्रोड्यूस करना, यह एक जीन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इट हैज़ 2 एलील्स कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। इस जीन के 2 एलील्स हैं, एक कैपिटल बी एंड एक स्मॉल बी। स्टार्च इज सिंथेसाइज इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी होमोजाइगोट्स एंड देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। कैपिटल बी अगर जीनोटाइप हो तो स्टार्च बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में उत्पन्न होता है और स्टार्च के ग्रेन्स बड़े होते हैं, इसलिए सीड भी बड़ा होता है। इन कंट्रास्ट स्मॉल बी होमोजाइगोट्स हैव लेसर एफिशिएंसी इन स्टार्च सिंथेसिस एंड प्रोड्यूस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन। स्मॉल बी से बनने वाला स्टार्च
प्रोडक्शन लेस एफिशिएंट होता है, स्टार्च रिलेटिवली कम बनती है, स्टार्च के ग्रेन्स रिलेटिवली कम होते हैं, सो इसलिए सीड छोटा बनता है. आफ्टर मैच्यूरेशन द सीड्स कैपिटल बी आर राउंड एंड स्मॉल बी आर रिंकल्ड. इसलिए कैपिटल बी वाले सीड्स मैच्योर होने पर राउंड तथा स्मॉल बी वाले सीड्स मैच्योर होने पर रिंकल्ड होते हैं. हेटेरोजाइगोट्स प्रोड्यूस राउंड सीड्स एंड सो द कैपिटल बी सीम्स टू बी डोमिनेंट एलील. क्योंकि कैपिटल बी स्मॉल बी वाले जो सीड्स हैं वह राउंड होते हैं, इसलिए कैपिटल बी डोमिनेंट नज़र आता है. बट द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस्ड आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज इन कैपिटल बी स्मॉल बी सीड्स. क्योंकि कैपिटल बी स्मॉल बी सीड्स राउंड शेप के तो होते हैं लेकिन उनका साइज मीडियम होता है. सो इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसर्न्ड एट द फिनोटाइप देन फ्रॉम दिस एंगल द एलील्स शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस. यदि हम स्टार्च ग्रेन के साइज के एंगल से देखें तो हमें यह फिनोमिना इनकम्प्लीट डोमिनेंस नजर आता है. देयरफोर द डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन. इस तरह डोमिनेंस किसी जीन का अपने आप होने वाला फीचर नहीं है और द प्रोडक्ट दैट इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर. और ना ही डोमिनेंस इस बात पर निर्भर करता है कि जीन के पास कैसी इंफॉर्मेशन है और वह कैसा प्रोडक्ट बनाता है. इट डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट. डोमिनेंस इस बात पर निर्भर करता है कि जीन का प्रोडक्ट कितना बनता है और इस प्रोडक्ट के बनने के कारण जीव की फिनोटाइप यानी बाहरी करैक्टर कैसे हो जाते हैं. एंड इट डज ऑन द पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामिन इन केस मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम जीन. डोमिनेंस इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम किस फिनोटाइप का अध्ययन कर रहे हैं तथा एक जीन भी किसी जीव की फिनोटाइप को चेंज कर सकता है. सो इसके साथ ही हमारे कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस के टॉपिक्स कवर होते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक्स पर बात करेंगे. लेकिन मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे हैं आप उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली टाइप करें. वीडियो में एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा जो पिक्चर्स एंड मटेरियल्स यूज हुआ है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे. सो आप उस ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की हेल्प से ज्वाइन कर लें. Good luck, work hard. Thanks for watching the video.